ये कहानी है मुंबई में रहने वाली रिदम की, जो क्लास 7 में पढ़ती है। रात के 3 बज रहे हैं और कल मैथ्स का एग्जाम है। रिदम को एग्जाम का बहुत डर लग रहा है। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं उसका एग्ज़ाम ख़राब ना हो जाए, कहीं उसके बाकी फ्रेंड्स उससे आगे ना निकल जाएं। पढ़ते पढ़ते रिदम की आंख लग जाती है और जैसे ही वो उठती है, घर पर लाइट जलने बुझने लगती है। रिदम को कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है, कुछ डरावनी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। पंखा अपने आप चलने लग गया। रिदम को ऐसा लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है और एकदम से रिदम के कान में एक डरावनी सी आवाज़ आती है, तू कल फेल हो जाएगी, मैं तुझे पास नहीं होने दूंगा, मैं अब हमेशा तेरे पास रहूंगा। रिदम डर जाती है और एकदम से पीछे मुड़कर देखती है। रिदम को बहुत ही डरावनी और बहुत ही लंबी काली परछाई दिखाई देती है। ये परछाई राहुल की है, जो 15 साल पहले इसी रूम में पढ़ता था, लेकिन वो कभी भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया और राहुल एक दिन घर छोड़कर भाग गया और कोई नहीं जानता कि फिर उसके बाद उसका क्या हुआ। आज 15 साल बाद राहुल फिर वापस आया है, लेकिन एक परछाई बनकर। रिदम बहुत डर जाती है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। कुछ ही देर में सूर्य उदय होता है, नया दिन शुरू होता है। रिदम अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वो उस परछाई को भुला नहीं पा रही, वो डरावनी परछाई। रिदम स्कूल जाती है और एग्जाम देने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही रिदम को क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो बहुत खुश हो जाती है। उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे। रिदम आंसर लिखना शुरू करती है और एकदम से उसका ध्यान दरवाजे पर जाता है। एक बड़ा सा आदमी क्लास के दरवाजे से अंदर घुस रहा है। रिदम ऊपर देखती है और बहुत डर जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, कल रात वाली परछाई थी और वो आदमी राहुल था। राहुल क्लास में इधर उधर देखता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। राहुल की नज़र रिदम पर पड़ती है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। राहुल धीरे धीरे रिदम के पास आता है और ये क्या, रिदम देखती है कि राहुल की आंखें ही नहीं है, आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला गड्ढा है। रिदम बहुत डर जाती है। राहुल धीरे से रिदम के कान की तरफ आता है और कहता है, मैंने बोला था ना, तू फेल हो जाएगी, मैं तुझे पास नहीं होने दूंगा, चल एग्जाम छोड़ और चल मेरे साथ। रिदम बहुत डर जाती है, लेकिन वो अपनी क्लास नहीं छोड़ती और अपना एग्जाम लिखती रहती है। राहुल रिदम को बहुत डराता है, लेकिन फिर भी रिदम पूरा पेपर ख़त्म करके ही उठती है। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और पता चलता है कि रिदम ने क्लास में टॉप किया है, वो अच्छे नंबर से पास हुई है। रिदम बहुत खुश है और उस रात की सारी बात अपनी माँ को बताती है। रिदम बताती है कि कैसे राहुल की परछाई उसको डराती थी और बोलती थी कि वो फेल हो जाएगी। रिदम की माँ उसको बोलती है कि वो कोई परछाई नहीं थी, वो तो उसके अंदर का डर था। इंसान का डर ही उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी होता है, जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। रिदम थोड़ी देर सोचती है, लेकिन उसको पता था कि वो कोई डर नहीं बल्कि राहुल की ही परछाई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने राहुल की परछाई को घर के बाहर सड़क पर घूमते हुए भी देखा था। आपको क्या लगता है, वो राहुल की परछाई थी या रिदम का डर? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो नीचे हमें लिखकर बताइए।